देखिए हमारी करी जो है अच्छे से अभी पक चुकी है। देखिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लोबिया मसाला करी। तो इसे अलसंदे कहते हैं कन्नड़ में और चावली भी कहा जाता है शायद। तो इसे मैंने रात भर भिगो कर रखा है करीबन, अगर आपको जल्दी है तो 5 से 6 घंटे तो आप भिगो कर रख ही दीजिएगा। अच्छे से भीग जाएंगे तो जल्दी पक जाएंगे और इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इन सब सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं कुकर में डालकर इसे पका लूँगी। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, काट लिया है, और 3 हरी मिर्च लिया है, इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पर मैंने 100 ग्राम जितना लौकी काट करके रख लिया है, इसे अच्छे से छील कर धोकर। तो 100 ग्राम जितना लौकी लिया है मैंने, और एक छोटे साइज़ का आलू, इसे भी अच्छे से काट लिया है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम कुकर में डालेंगे और 2 से 3 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को कुकर में डाल दिया है, अब इसे पकाएंगे करीबन 2 से 3 या फिर 4 सीटी आने तक भी आप इसे पका सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी पक जाती है तो ज़्यादा पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अच्छे से पक चुकी है हमारी लोबिया और सारे वेजिटेबल्स जो भी हैं। अब हम इसे थोड़ा सा इस तरह से क्रश करेंगे। तो इसे मैंने क्रश कर लिया है। इस तरह करने से करी जो है थोड़ा सा थिक बनेगी और स्वाद भी आएगा, क्योंकि इसके अंदर का जो दाल होता है ना वो पेस्ट की तरह बन जाता है तो टेस्ट अच्छा आता है। तो चलिए बनाते हैं इसका करी। तो इसको तड़का लगाने के लिए मैंने तेल डाला है करीबन 2 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, तो स्मॉल टीस्पून जीरा यानी 1/4 टीस्पून जीरा डाला है मैंने, और साथ में थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे। हम लोग साउथ में जो है कड़ी पत्ता ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर आपको कड़ी पत्ता मिले तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और हेल्थ के लिए भी वो बहुत अच्छा है। और मैं इसमें डालूँगी 2 चिल्ली, करेंगे अच्छे से। अब इसमें 1/4 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ऑनियन डालकर मैंने पहले ही उबाल लिया है, इसलिए ऑनियन नहीं डालेंगे इसमें। आप चाहे तो इसमें ऑनियन ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो तड़का रेडी हो चुका है, अब हम इसमें ऑयल में ही डालूंगी मैं हल्दी 1/2 टीस्पून। अब इसे मिक्स करते ही इसमें डालेंगे जो उबाला था हमने लोबिया, उसे डालते ही ढककर रख दीजिएगा, नहीं तो अब मैं कुकर को कुकर से डाल रही हूँ ना, इसलिए इसे फटक से डालकर इसे एक बार इस तरह से ढककर रख देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, मैं इसमें डाल रही हूँ सब्जी मसाला 1/2 टीस्पून। सब्जी मसाला ना मिले तो आप गर्म मसाला यूज़ कीजिएगा। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, देखकर आप नमक डालिएगा, और 1/2 टीस्पून जितना जीरा पाउडर और 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर। अब इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें हरी मिर्च मैंने डाला है इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला। स्वाद और भी ज़्यादा आप बनाना चाहते हैं तो आप इसे राइस के साथ खाइएगा, और आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। भैया अब मैं इसमें डालूंगी करीबन 1/2 कटोरी मलाई है, ये जो दूध से मलाई निकलती है ना वही मलाई है दोस्तों। तो इस मलाई को इसमें डालेंगे और इसे पकने के लिए 2-3 मिनट हमें ढककर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छे से पक जाए। मलाई वगैरह हमने डाला है अभी, तो ये अच्छे से पक जाए तो 2-3 मिनट के लिए हमें इसे ढककर रखना पड़ेगा। तो इसे ढककर करीबन 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर आप पकाइएगा। तो इस सब्जी का नाम मैंने दिया है लोबिया मलाई, तो इस सब्जी का नाम मैंने दिया है लोबिया मलाई करी, क्योंकि मैंने इसे अपने तरीके से बनाए हैं। तो लोबिया का बहुत सारे और भी करी आने वाले हैं, और भी इसका रेसिपीज आने वाले हैं, इसीलिए
आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिस ना कर सके आप तो लोबिया का। तो दोस्तों लोबिया का और भी बहुत सारे वेराइटीज रेसिपीज आने वाले हैं, इसलिए आप मिस ना कर सके, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट।